सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर बदलता मौसम है और आपके बच्चे को हो जाता है सर्दी खांसी जुखाम या फिर कई प्रकार की इन्फेक्शन जैसे कि फोड़ा फिंसी इत्यादि बहुत प्रकार की इन्फेक्शंस होती हैं, तो आज हम इस वीडियो में 10 प्रकार की इन्फेक्शन को कवर करने वाले हैं और आपके बच्चे के लिए एक ऐसा सिरप लेकर आने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस दवा की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सो गाइस चलिए वीडियो को आगे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आज हम सिफोडॉक्सिम सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि एक लेबोरेट कंपनी का है, सेफ ड्रिल 100 mg इसकी ब्रांडिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मार्केट में आपको 50 mg और 100 mg दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूल सिफोडॉक्सिम है जैसे कि आप यहाँ पर गाइस देखेंगे, और हम बात करेंगे इस सिरप के बारे में कितने प्रकार की इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर सकता है और अगर आपके बच्चों को वो समस्या होती है तो वो आज बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बात कर लेते हैं हम इसके बेनिफिट के बारे में, इसके यूज़र्स क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो गाइस इस दवा का इस्तेमाल ज़्यादातर बैक्टीरियल संक्रमण में किया जाता है। बैक्टीरियल संक्रमण में जैसे कि निमोनिया आता है या फिर बच्चों को खांसी हो जाती है या ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाती है या फिर अगर आपके बच्चे के गले में टॉन्सिल्स हो चुके हैं, कुछ भी खाता है बच्चे गले में बहुत ज़्यादा पेन होती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गले में हो चुका है, इस प्रकार की समस्या है, तो उन कंडीशन में आप सिफोडॉक्सिम सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार का भी कोल्ड हो चुका है, कोल्ड के साथ फीवर आ रहा है बच्चे को, तो उन कंडीशन में आप इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो गाइस अगर आपके बच्चे को कोल्ड है तो इसके साथ आप सोलविन कोल्ड प्लस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं इमेज दे दूंगा एक सोलविन कोल्ड सिरप की, तो वो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसके और बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये चेस्ट इन्फेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके बच्चे के चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, घर की आवाज़ आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही, इस प्रकार की समस्या है, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट देखे गए हैं, अगर आपके बच्चे के फोड़े फिंसी हैं या फिर किसी प्रकार की स्किन एलर्जी हो चुकी है या फिर पूरी बॉडी के ऊपर हल्की हल्की फिंसियाँ निकल आई हैं, इस प्रकार की समस्या होती है, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल ओवर दोस्तों ये 10 प्रकार के इन्फेक्शन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है, जैसे कि फोड़े फिंसी, चेस्ट इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू, किसी प्रकार का ही फ्लू होना या फिर बच्चे को बुखार आ जाता है, तो उन कंडीशन में इस प्रोडक्ट को चलाया जाता है। दोस्तों इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, जो कि आपके नज़दीकी डॉक्टर है उसको दिखा के फिर ही आप इस दवा का इस्तेमाल करवाएं। जो भी ये वीडियोस आती हैं ये सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पस के लिए होती है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी दवा या इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो गाइस ये थे इसके यूज़र्स, मैंने जाने हैं आप लोगों ने। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इस दवा को लेने के बाद बच्चों को कई बार मितली उल्टी, दस्त लगना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट जाने। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।